हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली की पनीर से बनने वाली सब्जी। ये बहुत टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान। ये हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं प्रोटीन से भरपूर पनीर वाली सब्जी, मूंगफली से बनी हुई पनीर ये। और इसकी हम सब्जी बनाएंगे तो उसके लिए एक पैन ले लेंगे। पैन में डाल देंगे थोड़ा सा तेल, तेल को गर्म होने देते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पीनट, हल्का सा भून लेंगे इसे, गैस को कम कर दें। इसी पे हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता, 3 हरी वाली इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, इसे हल्का सा भून लेते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से अदरक कटे हुए, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 मिनट से भून लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर, रफली चॉप किए हुए। अब इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। हमें उतनी देर भूनना है इसे जितने में टमाटर जो है हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 ग्लास पानी और इसे ढक के हम 5 मिनट खोलने देते हैं। इसे 5 मिनट खोलने दें जिससे कि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और टमाटर और लहसुन अदरक को हम ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसके लिए एक दूसरी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा तेल, तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च कटी हुई और 3 मीडियम साइज के प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। जितना आप टमाटर लें उतना ही प्याज लें, ये डाल देंगे। अब हम प्याज को हल्का लाल होने तक भूनते हैं। तो इसे चलाते हुए लाल होने तक भून लें। ये टमाटर जो है वो ठंडा हो गया तो हम इसे पीस लेते हैं। और प्याज भी हल्का सा लाल हो गया तब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। प्याज के साथ इसे भी भून लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं भूनना, हमें सिर्फ 1 मिनट भूनना है। मसालों को भूनते हुए प्याज के साथ 1 मिनट हो गए हैं। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है वो हम डाल देते हैं। ये मैंने पेस्ट बना लिया उसका, इसे अच्छे से मिक्स कर दे। इसी जार में थोड़ा सा पानी लेके और इसमें डाल देते हैं ये 1/2 कप पानी मैंने डाल दिया। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि सारे मसालों में से तेल ना छोड़ने लगे। तो इसे हम ढक के भूनेंगे, ढक दे और फिर चला ले, फिर ढक दे, नहीं तो ये जो इसके छींटे हैं ये उड़ने लगते हैं। तो इसे ढक दे, फिर 1 मिनट बाद उठा के फिर से चला ले। 1 मिनट हो गए, इसका ढक्कन हटा के हम इसे चला लेते हैं।
देखिए कितना छीटा उड़ रहा है। और फिर से इसका ढक्कन लगा देते हैं। ऐसे ही करके हमें 3 से 4 बार इसे भून लेना है। फिर 1 मिनट हो गए, फिर से इसे हम उठा के और चला लेते हैं। मसालों को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक डाल लें। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी, जितनी ग्रेवी आप गाढ़ी या पतली खाना चाहें। ऐसे गाढ़ी ग्रेवी ही होती है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1/2 ग्लास पानी का यूज करूंगी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतला गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसे हम ढक के इसमें उबाल आने देते हैं। ढक दे और इसे खोलने दे। सब्जी जो खोलने लगी है, अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मूंगफली का पनीर बना के रखा है वो, तो ये मूंगफली वाली पनीर है, उसे हम डाल देते हैं इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 2 मिनट इसे खोलने देते हैं। इसको ढक के हम इसे खोलने दें, जिससे कि पनीर में जो अच्छे से है वो ग्रेवी चल समा जाए। सब्जी को खोलते हुए 2 मिनट हो गए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारी मूंगफली वाली पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई। ये बहुत प्रोटीन से भरपूर होता है, तो आप इसे एक बार जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गैस को बंद कर दें।